केरला की बात कर लेते, केरला का स्टेट हुड गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, प्लीज याद रखिएगा। एंड तिरुवनंतपुरम इज अ कैपिटल, कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। पिनाराई विजयन की बात करें, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। पी सदाशिवम इज अ गवर्नर, इंपॉर्टेंट इनका नाम भी है। टोटल डिस्ट्रिक्ट 14 है, तो डीएलआर नंबर निकल कर आता है 14 20 19 14 20 19 14 20 19 जैसे याद रख पाए। 14 तो रही लोकसभा सीट, 20 रही, 14 तो रही यहां पर डिस्ट्रिक्ट और 20 रही यहां पर लोकसभा सीट। एंड 9 सीट की बात करते हैं, यहां पर हमें याद रखना है भाई क्या है, राज्यसभा की सीट है, तो इसे यहां पर 19 नहीं है, 09 यहां पर हो जाएगा, तो याद रखना है 14 20 09 14 20 09 याद रखना है भाई। 14 क्या है, लोकसभा, 14 यहां पर है डिस्ट्रिक्ट है। और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात कर लेते तो 9 है और लोकसभा, चलिए मैं यहां पर चेंज ही से कर देता हूं, हमें याद रखना है यहां पर जो टोटल सीट है वो हमारी भाई, आजा अगर यहां पर बात कर लेते हैं तो यहां पर हमारे लिए एग्जाम के लिए रिलेवेंट जो है वो ये है कि 14 20 09 इज अ डीएलआर नंबर ऑफ दी केरला। मतलब क्या हुआ कि 14 तो हमारी डिस्ट्रिक्ट रहे, 20 लोकसभा सीट रही और 9 राज्यसभा सीट रही। फिर दोबारा समझते हैं, स्टेट हुड है 1 नवंबर 1956 को, कैपिटल तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन, गवर्नर पी सदाशिवम, तो डिस्ट्रिक्ट है 14, जो लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल बिल्कुल सेम है, तिरुवनंतपुरम है। ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है। दो स्टेट जिनके साथ बॉर्डर शेयर होता है, एक कर्नाटका दूसरा तमिलनाडु, अभी मैप के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। लोकसभा सीट रही 20, राज्यसभा सीट रही 9। विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें, यूनिसेमरल है, 141 सीट है, जो हमेशा आपका क्वेश्चन रहता है कि सर प्लीज जरा इन्हें भी इंक्लूड किया करिए, तो ये भी अब इंक्लूड करने लगे हैं। केरला हाईकोर्ट की बात करें, उसके चीफ जस्टिस हैं ऋषिकेश रॉय, जो कि अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस है, तो इनका नाम याद रखिएगा। कुछ एडिशनल पॉइंट उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कथकली इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ केरला। श्री पद्मना स्वामी टेम्पल, ये एग्जाम का क्वेश्चन रहा था, श्री पद्मना स्वामी टेम्पल ये भी केरला में है। शाबरीमाला श्री अय्यप्पा टेम्पल की बात करें, ये भी केरल राज्य में स्थित है। 3 डैम, इदुकी, मुल्ला पेरियार और नयार, जरा समझना। डैम एग्जाम में क्वेश्चन में दो तरीके से आएंगे, दो डैम बेस्ड क्वेश्चन, या तो डायरेक्ट डैम पूछा जाएगा किस स्टेट में, या तो ये पूछा जाएगा डैम किस नदी पर है। इदुकी डैम, मुल्ला पेरियार डैम, नया डैम, पहले तो तीनों को याद कर लिए, तीनों केरला में है। इदुकी डैम पेरियार रिवर पे है, मुल्ला पेरियार डैम पेरियार रिवर पे है ये भी, और जो नया डैम है वो आपका नया रिवर पे है। इतनी बातें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगी। अब मैप के थ्रू लोकेशन दिखा देता हूं मैं आपको, ये अपना केरल है, दिख रहा होगा आपको, ये केरल है, तमिलनाडु के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है और ये कर्नाटका के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो दो स्टेट कौन कौन से रहे, एक रहा तमिलनाडु और दूसरा यहां पर है कर्नाटका। आई होप सो ये भी आपके क्लियर होगा। भाई आते हैं जरा देखते हैं नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क के अलावा यहां पर हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अलावा यहां पर एक आपको लेक भी मेंशन की गई है, उसको भी यहां पर हम डिस्कस करेंगे। अनामुदी शोला नेशनल पार्क, अब देखिए इसको याद करने की बेहतरीन तरीका है, हमें सिर्फ क्या करना है, केरला में शोला गिराना है, समझ रहे हो ना, केरला में क्या गिराना है, शोला गिराना है। शोला मतलब कहां है कि केरला में, वो एक नहीं था एक सॉन्ग शूट हुआ था, मेरे को स्किप कर रहा है, शोला पता है समथिंग लाइक कुछ था शोला करके, और वो समझ लीजिए वो शूट कहां पर हुआ था, केरला में हुआ था। अनामुदी शोला नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, मत्थीकेतन शोला नेशनल पार्क, पंपादम शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा जितने भी शोला वर्ड आ रहे हैं नेशनल पार्क वो कहां पर है, मैक्सिमम एक्सेप्शन हमेशा होते हैं वो आपको याद रखना है, केरल में है। इराविकुलम नेशनल पार्क कहां पर है, केरल में है। एंड पेरियार मैक्सिमम डैम पूछा गया, पेरियार डैम की तरीके से कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, पेरियार डैम की बात करें, मुल्ला पेरियार की बात करें तो यहां ये केरला में स्थित है। चिन्नार पेपर्रा इदुकी, इदुकी एग्जाम का क्वेश्चन है, चिन्नार पेपर्रा इदुकी वयानाद ये एग्जाम का क्वेश्चन है। नयार और अरालम ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ऑल आर लोकेटेड इन केरला। आई होप सो यहां तक आपके सारी चीजें क्लियर होंगी। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेम्बानाद लेक का नाम याद रखिएगा, फेमस लेक है जो कि आपकी केरल राज्य में स्थित है।